back to my channel Neelam's Good Times, जहाँ पर हम बात करते हैं about fashion, beauty, lifestyle, styling and all life related topics and I've been bringing up vlogs for you. आज की जो मेरी वीडियो है मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द प्रोडक्ट प्रोलिक्सर. प्रोलिक्सर प्रोडक्ट जो है ये बीच में बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैंने हाइप देखा था इसके बारे में एंड ऑफकोर्स यू हैड सीन सम गुड रिव्यूज ऑल्सो, मेनी पीपल वेयर ट्राइंग आउट दिस एंड सो आई थॉट वाई नॉट पोजेस दिस, खुद के कलेक्शन में कर लेती हूँ एंड लेट मी फाइंड आउट कि ये प्रोडक्ट की इतनी जो हाइप है इज इट वर्थ द हाइप. सो मैंने हाल ही में नायका से मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए एंड लेट मी शो यू. ये मैंने 5 प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं नायका से, ये पूरा प्रोलिक्सर का सेट मंगा है एंड यस ये सारे मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं. दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. डिस्क्लेमर इज आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू मेक एनी रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट दैट मैं रिव्यू कर रही हूँ ये प्रोडक्ट्स का. एंड बिफोर डेल्विंग इनटू द वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर आई कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ माई पर्सनल अपडेट्स एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. तो दोस्तों सबसे पहले मैंने शुरुआत की फेस क्लेंजिंग एक्टिविटी से और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्रोलिक्सर का एक्वामराइन फोमिंग क्लेंजर. ये सिर्फ मैंने 2 बूंद ले ली, नाम एक्वामराइन है बट द कलर इज पिंक एंड द स्मेल इज ऑफ स्ट्रॉबेरी. बहुत ही अच्छा स्मेल है. सो इसे मैंने लगाने के बाद मेरे फेस पे सर्कुलर मोशन में मैंने काफी देर रब किया एंड इट वॉज नॉट एट ऑल हार्श ऑन द स्किन. दिस प्रोडक्ट इज वेरी हाई ऑन एलोवेरा विच हेल्प्स इन यू नो कीपिंग योर स्किन वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ. The next step after this was I used the Black Rose Honey Facial Scrub. इसे भी मैंने थोड़ा सा 4-5 बूंद जैसा ले लिया मेरे फेस पे. मुझे फेशियल स्क्रब लगाना बहुत ही अच्छा लगता है. मैं वीक में कम से कम 1-2 बार फेशियल स्क्रब ज़रूर लगाती हूँ मेरे फेस पे. इससे क्या होते हैं मेरे जो ब्लैक पोर्स होते हैं, जो वाइट पोर्स होते हैं या काफ़ी इम्प्योरिटीज़ ये निकल जाती है एंड इससे भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला. धोने के बाद काफ़ी मेरी स्किन लुक्ड आफ्टर लग रही थी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई यूज वॉज द डिटॉक्सिफाइंग सी एल्गे मास्क, द मच टॉक्ड अबाउट मास्क. इसके साथ एक छोटू सा ब्रश आता है तो उसके मदद से मैंने मेरे फेस पे पूरे ये मास्क को लगा लिया. ये हमारी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करता है, डिटॉक्सिफाई एंड ब्राइटन भी करता है एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनी पॉल्यूशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पोर्स को हमारे टाइटन करता है एंड रेडियंस जो है आप देख पा रहे थे काफ़ी स्किन को रेडिएट करता है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड वॉज द ब्यूटी शील्ड विटामिन सी सीरम. इसे मैंने लगभग 4-5 बूंद मैंने मेरे फेस पे ले लिए एंड लेके मैं इसे सर्कुलर मोशन में रब करने लगी. दिस एप्लीकेशन गेव मी अ वेरी वेरी स्मूथ इफेक्ट मुझे दे रहा था. लगाने के साथ साथ ही एक बहुत ही एक सॉफ्टनेस और सपलनेस फील हो रहा था एंड आई फेल्ट माई स्किन वॉज गेटिंग डीपली हाइड्रेटेड और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. यूजली माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव तो मैं हर प्रोडक्ट्स पर इतना डिपेंड नहीं कर सकती बट दिस प्रोडक्ट वॉज डेफिनेटली नॉट अ फेलियर फॉर मी एंड देखिए ये लगाने के बाद स्किन कितना नरिश्ड एंड लुक्ड आफ्टर लग रहा है. एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई यूज वॉज द मॉइस्चराइजर. जी हाँ ये वेरी वेरी मॉइस्चराइजर है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन फार्मूला से बनी हुई है. तो इसे भी मैंने 5-6 बूंद अपने फेस पे पूरी जगह पे लगा लिया एंड अच्छी तरह से अपने फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. इसे लगाने के साथ साथ ही एक बहुत ही हाइड्रेटेड एंड वेल नरिश्ड फील आती है. ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन के अंदर ना पूरी ये क्रीम जो है बहुत जल्द ही एब्जॉर्ब हो जाती है एंड ये क्रीम जो है ये जो फेस मॉइस्चराइजर है ये बना हुआ है विद बेरी एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, हनी जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है एंड दिस एप्लीकेशन ऑल्सो मेड माई स्किन लुक वेल नरिश्ड एंड सपल. तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी है और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एक लाइक देना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई बी सीइंग यू सून विद माई न्यू कॉन्टेंट. तब तक के लिए आप खुश रहिए, चुस्त रहिए.